गुरुवार को अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने किशनगंज के बाढ़ प्रभावित गांव के करवरी कलक सड़क मार्ग की टूटी पुलिया का जायजा लिया, जहां दल ने पुलिया पर मौजूद लोगों से बाढ़ के हालात जाने, लोगों ने खाने पीने, राशन व रहने के राहत शिविर सहायता के बारे में जानकारी दी। मौजूद लोगों ने केंद्रीय दल को बाढ़ से हुई तबाही के बारे में बताया तथा तुलसीराम बसवाल ने पासवान नींबू भार के बारे में अवगत कराया। बाढ़ से करकरी खुर्द हथियादेह रामपुरिया गांव बाढ़ में डूब गए, जिससे लोगों का खाने पीने, बिस्तर सहित मकान नष्ट हो गए। खेतों में कोई फसल भी नहीं बची और खेतों की मिट्टी बहने से खेत बेकार हो गए। करवरी कला की पुलिया टूटने से 15 दिन से लोगों का आवागमन बंद हो रहा है। करवरी कला के बाद केंद्रीय दल बाढ़ प्रभावित छिनोद के रेबारपुरा गांव में जाकर हालात देखकर दल ने बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी सरपंच भानु प्रताप भाड़ा में रेबारपुरा गांव में लोगों के हुए नुकसान के बारे में अवगत कराया। भानु प्रताप भाड़ा ने बताया कि रेबारपुरा गांव पानी में डूब गया और लोगों के खाने पीने, बिस्तर सहित अन्य सामान नष्ट हो गए। कई लोगों के मकान ध्वस्त हो गए। केंद्रीय दल में रिपोर्ट मंत्रालय देकर सहायता का दिया आश्वासन। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के साथ जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय, पुलिस अधीक्षक विजय बंसल, किशनगंज उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल, तहसीलदार तिलोक चंद गुप्ता, विधायक निर्मला सहरिया, राहुल सरपंच रमेश फौजी, सरपंच करवरी कला विजय सिंह चिनौत, सरपंच भानु प्रताप हाड़ा, हेमराज गुर्जर, तुलसीराम बसवाल, छगन सेठी, गिरीश धाकड़ आदि ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में जानकारी दी। 12 जिले में आज भारत सरकार की जो केंद्रीय दल है वो बाढ़ के हालातों के जायजा लेने के लिए आए हैं। 3 सदस्यीय टीम के सदस्यों का आज हम पूरे जिले के जो विशेष रूप से किशनगंज और शाहबाद एरिया उसके प्रभावित क्षेत्रों को दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है, भूमि कटाव काफ़ी हुआ है, इसके साथ ही काफ़ी जानवरों की डेथ भी हो गई है और सड़कें पुलियाएँ काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है। फसल खराबे को लेकर हमारी टीम पूरी तरह चिंतित है और केंद्रीय दल ने भी काफ़ी चीज़ों को देखा है, हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि जो हालात ख़राब हो गए हैं, आमजन को जो तकलीफ हुई है उसके लिए निश्चित रूप से भारत सरकार की तरफ से भी हमको सहायता मिलेगी। राज्य सरकार के द्वारा भी पूरा राहत पैकेज हमको दिया गया है। जिनकी डेथ हुई है उनको मुआवजा राशि वगैरह हमने तत्काल सब जगह पहुँचा भी दी है। बाकी सबका सर्वे निरंतर जारी है। टीम पूरी संवेदनशीलता के साथ विजिट की है, गाँव लोगों से, ग्रामीणों से सबसे संपर्क कर रही है। माननीय विधायक महोदया भी हमारे साथ हैं और सब क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से आज पूरे दिन भर विजिट का कार्यक्रम है। पूरी टीम यहाँ से देख के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें, हमारे जिले पर विशेष रूप से ध्यान देकर सारी व्यवस्थाएं कराएंगी।